तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में वर्ष 2019 से 21 तक के 53 मेधावियों को पीएचडी की उपाधि और 2018 से 20 तक पास आउट 441 विद्यार्थियों को पदक, 163 को स्वर्ण, 149 रजत और 139 को कांस्य व 7935 विद्यार्थियों को डिग्री दी गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूदा उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने पहुंचकर कार्यक्रम को मां सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। टीएमयू के कुलाधिपति सुरेश जैन ने कहा कि दीक्षांत समारोह 22 मार्च 2020 को आयोजित किया जाना था, लेकिन महामारी के चलते कार्यक्रम की तिथि आगे बढ़ाई गई। उन्होंने मेधावियों से बिना रुके कड़ी मेहनत करने का आह्वान किया। कहा कि सफलता उन्हीं के पैरों को चूमती है जो आगे बढ़ने की हिम्मत करते हैं। समारोह में विशिष्ट अतिथि पंचायती राज्य मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह ने कहा कि शिक्षक समस्याओं का समाधान दिलाने के साथ सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक अनन्या का सर्वोच्च स्तर तक पहुंच आती है। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने अपने संबोधन में विद्यार्थियों से कड़ी मेहनत करने और शिक्षा के बाद विदेश में सेवा करने के बजाय देश में रहकर यहां के विकास में योगदान देने का आह्वान किया। इस मौके पर महापौर विनोद अग्रवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष शेफाली चौहान, नगर विधायक रितेश गुप्ता, डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के उपाध्यक्ष गोपाल अंजान, बाल संरक्षण आयोग के चेयरमैन डॉक्टर विशेष गुप्ता आदि उपस्थित रहे। मेरा आपसे ये भी आग्रह है, जितने भी लोग मिलेंगे वो आपको ये कहेंगे कि कोई गोल निश्चित कर लो, उस गोल तक पहुंचो। पर मेरा ऐसा मानना है कि कोई गोल निश्चित मत करो, हमेशा आगे बढ़ते रहो। कुछ लोग जो चार कदम चल लेते हैं वो समझते हैं कि हम मंजिल पर पहुंच गए, तो मंजिल आप सारी जिंदगी चलते रहोगे, मंजिल नहीं आएगी, क्योंकि आपको हमेशा आगे बढ़ना है, कहीं नहीं रुकना है। आप मेरा उदाहरण देख सकते हो, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, जब आपने एडमिशन लिया था तब भी मैं ऐसा ही था और अब भी ऐसा ही। आप सबसे हमने बहुत मोहब्बत भी की और आप लोगों को बहुत परेशान भी किया होगा, डिसिप्लिन के मामले हों, अटेंडेंस के मामले हों, आप लोगों को बहुत रोका गया होगा, बहुत सारी शिकायतें भी रही होंगी। अटेंडेंस की बहुत सख्ती हमारे यहाँ जैसे रहती है, क्लासरूम की अटेंडेंस जैसे बहुत सख्त रहती है और वगैरह वगैरह। और आप सबको पता है कि नकल वकल की इजाज़त यहाँ कभी मिली नहीं जब से यूनिवर्सिटी बनी है, तो इसलिए भी आप लोगों को पढ़ना पड़ता है और कई बार आप लोग शिकायतें करने आते ही हो, हिसाब बहुत ज्यादती हो रही है, नंबर मिलने में बहुत कंजूसी हो रही है। आप सबको पता है कि हमारे सभी पेपर दूसरी यूनिवर्सिटी से सेट होके आते हैं, आप सबको पता है कि हमारी सभी कापियां दूसरी यूनिवर्सिटी से आने वाले प्रोफेसर्स और डॉक्टर्स जांचते हैं, तो हमारे लोग कभी ये कोशिश नहीं करते, उनका यही प्रयास होता है कि आप में से ज़्यादा लोग सफल हों। पर फिर भी सफलता हमेशा उन्हीं के पैर चूमती है जो कड़ी मेहनत करते हैं और आगे बढ़ने की तमन्ना रखते हैं। अब एक बात याद रखना, जिंदगी में अपना अंदाज ऐसा बनाना कहीं भी रहो कि लोग, और उनसे ये कहना भी, मेरा यही अंदाज इस जमाने को खलता है, मेरा यही अंदाज इस जमाने को खलता है कि इतनी ठोकरों के बाद भी मैं कैसे सीधा चलता हूँ। आपको ठोकरें लगेंगी और सीधा चलना है, और जब कभी भी जिंदगी में कहीं भी आप हो, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय के कंधे बहुत मजबूत हैं, पूरे देश में हो आप, विदेश में हो आप, जैसे बहुत से स्टूडेंट्स हमारे वहाँ हैं, आप हमारे आज के टीचर्स जैसे बहुत से टीचर्स भी वहाँ हैं, कभी भी कोई दिक्कत हो तो आधी रात में भी याद करना, हमारे लोग वहाँ होंगे आपकी सेवा करने के लिए और आपको आपकी मदद करने के लिए। यूनिवर्सिटी ने आपके साथ क्या किया, आप लोग यूनिवर्सिटी के साथ ये जरूर करना कि जहाँ भी रहो
इतना जरूर ख्याल रखना कि अपना अपना नाम रोशन करना, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना, अपने गांव शहर कस्बे का नाम रोशन करना और यूनिवर्सिटी का नाम भी रोशन करना, क्योंकि आप ही हमारे एम्बेसडर्स हो। और आप सबको पता है कि जो जो एक गांव से जो एक बच्चा दो बच्चा एक साल पढ़ने आता है, अगले साल उसके पिताजी पूरी बस भर के यहाँ एडमिशन लेने के लिए पूरे गांव को लेके आते हैं। ये आपकी रिपोर्टिंग होती है। आप लोग जब रिपोर्ट करते हो कि यहाँ क्या है, कैसा है और क्यों है, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, यहाँ का एनवायरमेंट हो, यहाँ के टीचर्स हों और आप लोगों का अपना डिसिप्लिन हो, वो सब केवल और केवल आपके लिए है। हमारे लिए स्टूडेंट फर्स्ट है, बाकी सब कुछ सेकंड है। मैं पुनः आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। हमें अभी माननीय मंत्रीगण को भी सुनना है। मैं अपना स्थान लेता हूँ और आप सबको एक बार पुनः दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आशीर्वाद, फूलों फलों मौसम। बच्चों को एक बार निरस्त होने के बाद दूसरी बार अवसर मिला है और ये बच्चे दूर दूर से आए थे। ऐसा इनकी ज़िंदगी में अवसर कम आते हैं। ये ज़िंदगी का एक निर्णायक दौर होता है जब हम अपनी शैक्षिक यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पहुंचते हैं। मुझे भी याद है कि जब मैं पीएचडी डिग्री हासिल किया था और दीक्षांत समारोह में गया था तो वहाँ के श्री राज्यपाल मौजूद थे और उनके द्वारा जब मुझे मेडल दिया गया तो उस फोटो को संजोए रखने का काम आजकल तक की तरह मोबाइल था नहीं। मैं सुबह से कैमरामैन के पीछे लगा था कि भैया जैसे ही हाथ में हुए पकड़े तैसे इस एंगल से खींचना, उस एंगल से खींचना, खड़े होकर खींचना, बैठ कर खींचना, सारा कुछ उसको बताता रहा। और जैसे मैं पहुंचा तैसे कोई व्यक्ति मेरे आगे आ गया और जैसे मेरी फोटो खींचनी थी तो फोटो में उस व्यक्ति की हो गई। अब जैसे मैं आगे जाकर वापस आने लगे लोग बोल रहे आगे 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 और मैं चला गया। लेकिन ये अवसर पूरी जिंदगी याद होता है। इसलिए मैं जैन साहब की जो परेशानी थी, उनकी भावुकता थी, ये कुलाधिपति है और कुलाधिपति एक तरीके का पिता होता है विश्वविद्यालय परिवार का, तो पिता की अपने पुत्र पुत्रियों के प्रति जो चिंता थी वो मैंने साफ देखी। आज जिन लोगों ने सफलता प्राप्त करने के बाद यहाँ पर आए हैं मैं उन सबको बधाई देता हूँ। आप आगे बढ़े, अब सफलता के कदम आपका चूमे। लेकिन एक चीज़ याद रखना, आप जैन साहब की उस बात से मैं सहमत नहीं हूँ कि जैन साहब ने कहा कि लक्ष्य निर्धारित मत करो। मैं तो कहूँगा कि सपना देखो, छोटा मत देखो, सपना खूब बड़ा देखो और उस बड़े सपने को पीछे भागो। जब तक वो सपना पूरा ना कर लो तब तक चैन की नींद ना आए आपको। इस प्रकार का संकल्प अपने मन में लो और आप प्रैक्टिकल रूप में देखो कि जो निर्णय दृढ़ निश्चय होकर आप अंतर्मन में करते हो, आपके अंतर्मन की जो शक्ति है वो प्रत्येक निर्णय को, प्रत्येक लक्ष्य को पूरा करने की शक्ति आप में होती है और आप जब उसके पीछे पड़ जाते हो तो वो सफलता आपके कदमों को चूमती है। इसलिए लक्ष्य का निर्धारण जरूर करो, मुझे बनना क्या है। मैं बताऊं, मेरे वहाँ बिजनेस था और अच्छा बिजनेस था लेकिन मेरे खानदान में किसी ने नहीं किया था। हालांकि मेरे पिताजी बहुत छोटे पन से जब वो थे तो पंडिता ही करते थे, पूजा पाठ कर्मकांड, और उससे उनकी जीविका चलती थी। बाद में वो बिजनेस करने लगे और जब बिजनेस करने लगे तो काफ़ी अच्छा बिजनेस उनका हो गया। जब हम लोग बड़े हुए तो हमने बिजनेस करते देखा और वो चाहते थे कि उनके बेटे बिजनेस करें, इसलिए उन्होंने मुझे कॉमर्स दिलाया। और उनको पता था कि कॉमर्स दिलाने के बाद भैया थोड़ा बहुत पढ़ लेगा, फिर इंटर कर ले तो उसको बिजनेस में लगा दो, जैसे कि व्यवसायियों का एक मन होता है। लेकिन ईश्वर को कुछ और था। जब से मैं नर्सरी में गया तो मैं प्रथम श्रेणी में आता गया, आते आते हाई स्कूल आया, हाई स्कूल में मेरे हाईएस्ट नंबर आए और बोर्ड में पूरा, जब अखबारों में फोटो आई और जब देखा तो उनको अच्छा लगा। 11th पास किया, फिर इंटर में फिर हाईएस्ट आए और पता चला कि फर्स्ट आते आते जब हाई स्कूल आ गया तो मैंने कहा मुझे आगे पढ़ना है। तो पिताजी बोले देखो आगे वही पढ़ना है जो बिजनेस में व्यापारी बनाने के लिए काम आवे।
अब मैं साइंस में पढ़ना चाहता था, उनका नहीं कॉमर्स पढ़ना है। मैंने कहा अच्छा कॉमर्स पढ़ूंगा। माँ बोली कि बेटा को डॉक्टर बनाना है। अब मैं पिता की इच्छा पूरी करूँ कि माँ की इच्छा पूरी करूँ? मैंने बीच का रास्ता अपनाया और मैंने कहा चलो कॉमर्स ले लो और कॉमर्स लेने के बाद पीएचडी कर लो और पीएचडी करने के बाद कलम का डॉक्टर बन जाओ, सुई का डॉक्टर ना बनो। और मैं कलम का डॉक्टर बन गया और मेरी लाइन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि लक्ष्य का निर्धारण ना किया होता मैंने तो आज ये मुकाम हासिल नहीं होता। उसके बाद जो मेरी आदत थी, मेरे दोस्त थे जो पढ़ने में अच्छे बच्चे थे, वो सारे के सारे कंपटीशन के फॉर्म्स ले आते थे और मैं भी रिहर्सल करता था कि मैं भी फॉर्म भरूंगा जितनी प्रतियोगिता आएगी। इंटर के बाद से इन लोगों ने भरना शुरू कर दिया था और भरते भरते जिस प्रतियोगिता में भरता था मुझसे ज़्यादा तेज वाले लोग थे, लेकिन अब भाग्य क्या था कि उन बेचारों का सिलेक्शन नहीं होता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता था। अब 17 कंपटीशन में मैं बैठा, 16 में मेरा सिलेक्शन हुआ और बड़े बड़े जगह सिलेक्शन हुआ। लेकिन आज तक मुझे अफसोस एक चीज का है कि मैं बड़े कंपटीशन में तो सेलेक्ट हो गया लेकिन मैं बैंक के क्लर्कियल में सेलेक्ट नहीं हो पाया। यही आप, मैं समझ सकता हूं कि जो सिविल सर्विस है उससे भी कठिन बैंक का क्लर्कियल का एग्जाम होता है, ये मैं मानता हूं। आज मैं इसलिए मान रहा हूं कि छोटा भी जो परीक्षा आपकी है ना, वो अलग अलग तरीके से आपका मापन तय करती है। आपकी अभिरुचि क्या है, आपका संकल्पना क्या है। अगर मेरी उधर अभिरुचि नहीं थी कि तो इसमें तो होना ही नहीं है, इसमें तो जाना ही नहीं मुझे, तो ऐसे ही कर लूंगा, तो ऐसे ही कर लूंगा करके पहुंचे तो उसमें नहीं हुआ, और जिसमें था इसमें तो आना ही है मुझे, उसमें हो गया। इसलिए दीक्षांत समारोह ये शिक्षा का अंत नहीं है, ये नए ये दीक्षांत नहीं है, ये शिक्षांत नहीं है, ये शिक्षा के जो आपने अभी तक सीखा है उसका प्रारब्ध है। अगले जो जीवन की संरचना में जिसमें आप प्रवेश करने जा रहे हो उसका प्रारब्ध है, ये उसका प्रारंभ है और उसके लिए अपने आप को तैयार रहने का आपका अवसर है। जैसे मैंने डिग्री प्राप्त किया था तो लोग मुझे पूछते करोगे क्या, मैंने कहा पीएचडी करूंगा। पीएचडी करके क्या करोगे? अब मेरे घर वाले तो बहुत परेशान हो गए, मेरे पिताजी बोले करने कहाँ चाहता है आखिर। मैंने कहा मैं यूनिवर्सिटी में या मैं कहीं पर टीचर बनूंगा। अब टीचर, अरे टीचर बनोगे, टीचर बन के क्या कर लोगे? देख रहे हो कि कैसा चलता है, कितना मिल जाएगा, लेकिन जीवन का लक्ष्य था मुझे टीचर बनना है और टीचर बनने के लिए आसान नहीं था। जैन साहब आपकी यूनिवर्सिटी में तो अब सारी भव्यता को देखकर मैं अचंभित हूँ, लेकिन अब लखनऊ विश्वविद्यालय से विश्वविद्यालय में बड़े मुश्किल से सारी चीज़ें होती थी, लेकिन मैं थ्रू आउट टॉपर और फर्स्ट डिविजनर था, इसलिए एक आकस्मिक घटना में मुझे पार्ट टाइम लेक्चरर मिल गया। और पार्ट टाइम लेक्चरर जब मैंने 88 में ज्वाइन किया तो मुझे 1100 रुपये मिलते थे, और 1100 रुपये जब मिलते थे तो मेरे वहाँ सैकड़ों की तादाद में लोग काम करते थे, लेकिन मैंने निश्चय कर रखा था कि मैं यही करूँगा, तो मैं साइकिल से घर से जाता था जबकि मेरे पास 2 कारें थी, लेकिन मैं कार से नहीं गया कि मैंने कहा जब तक मैं अपनी कमाई का नहीं करूँगा तब तक मैं ठीक से इस विश्वविद्यालय में जब तक अपने बल पर नहीं हो जाऊँगा तब तक इन साधनों का प्रयोग मैं नहीं करूँगा अन्य कारों के लिए। कभी कभी चल जाता था लेकिन स्कूल में आना जाना साइकिल्स के बाद जब मुझे स्कॉलरशिप मिला तो मैंने बजाज की सेकेंड हैंड स्कूटर खरीदा और 1100 रुपये मिलते थे। पिताजी बड़ा गुस्सा हुए, एक बार उन्होंने मेरे दोनों ड्राइवर को गाड़ियों के खड़ा किया, बोले जमील तुझको कितना देता हूँ? उनका 2000 देते हो? बोले मेरा बेटा जो है 1100 रुपये में नौकरी कर रहा है, वो भी 11 महीने में उसको तनख्वाह मिलती है, 12वें महीने तनख्वाह भी नहीं मिलती। लेकिन लक्ष्य था, मैं आप सबको जो किस्सा कहानी सुना रहा हूँ उसके पीछे है कि लक्ष्य था कि मुझे इसी लाइन पर जाकर आगे बढ़कर कुछ करना है और उस चीज़ के मुकाम को मैंने प्राप्त किया। मेरी पीएचडी भी मेरे अंडर में इन्होंने बताया, 2 दर्जन से ऊपर पीएचडी है, 6-7 से ऊपर किताबें हैं, दर्जनों नहीं सैकड़ों के आधार पर मेरी रचनाएं हैं। मैं एक एकेडमिक लाइफ में मैं जी रहा था और उसी दौरान मैं रीडर बना, लेक्चरर बना, परमानेंट हुआ, रीडर बना, प्रोफेसर सबसे कम उम्र में बन गया और इस लक्ष्य को मैं लगातार प्राप्त करता गया। मैं आप सबको क्यों कहना चाह रहा हूँ, आज आप किसी छोटे बच्चे से, नए युग के बच्चे से पूछे बेटा क्या बनना चाहते हो, कहेगा आईएएस बनना चाहता हूं, आप तो कहेगा मल्टीनेशनल में जाना चाहते हैं, कोई कहेगा आर्मी में जाना चाहते हैं। आप पूछो तो शायद एक आधा व्यक्ति हो जो कहेगा कि मुझे
पॉलिटिक्स में जाना है या कोई कहेगा कि मुझे टीचर बनना है, और इत्तेफाक की बात जो कोई नहीं कहता वही मैं दोनों हो गया कि मैं टीचर भी हो गया और मैं राजनीति में अनायास ही आ गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि राजनीति में पढ़े लिखों का नहीं आना चाहिए। आज की आवश्यकता है कि आप अपना लक्ष्य पूरा करने के बाद राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पण के भाव में जहां आप हो वहां रहते हुए देश के लिए समाज के लिए आप क्या कर सकते हो, आपकी क्षमता का उपयोग होना चाहिए। ये जो अच्छी शिक्षा है इस शिक्षा का सदुपयोग कैसे आप करोगे, इसलिए मैंने कहा कि आपका लक्ष्य का निर्धारण और लक्ष्य के निर्धारण के अनुसार आपका उसके पीछे भागने की प्रवृत्ति, आपके मन में दृढ़ निश्चय, नॉट टू बी डिस्करेज्ड, हतोत्साहित ना होना, आपका जो डिटरमाइंड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको प्राप्त करने के लिए आपको उसके पीछे चलने की जो आकांक्षा है वो प्रबल होती जाए दिन प्रतिदिन, इस प्रकार से चलना है। कहते हैं ना, सुनो सबकी, करो अपने मन की। इसका मतलब नहीं कि आप मन चाहे हो जा, लेकिन आपका मन क्या कह रहा है। जैसे मैंने बताया कि पिताजी कह रहे कि कॉमर्स ले लो, माँ कह रही कि साइंस ले लो, मैं क्या चाहता हूं। उस समय हम लोग की स्थिति नहीं होती थी कि जो माता और पिता ने कह दिया वो आज भी मैं जब तक वो जीवित थे मेरा मूल मंत्र याद रखो आगे बढ़ने का। आज के इस नौजवान में क्या होता है कि हम लोग पाश्चात्य संस्कृत के तरुण पे जा रहा हूँ। इसका मतलब पाश्चात्य संस्कृत का मेरा ये नहीं कि आप उनके पाश्चात्य की जो डेवलपमेंट प्रोसेस है उसको आप ना अडॉप्ट करो, पाश्चात्य का जो विभिन्न प्रकार का साइंटिफिक मैनेजमेंट है उसको आप अडॉप्ट ना करो, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन जीवन जीने का जो संस्कार है, जो उनका काम करने का जो अलग पारिवारिक परिदृश्य में जो उनका मुकाम है उससे अलग हटकर काम